नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कंप्यूटर्स पे। तो जैसा कि पीयूष गोयल जी जो कि रेलवे मिनिस्टर है इस टाइम पे, वो पिछले 1.5 साल से लगातार खुशखबरियां देते जा रहे हैं रेलवे एस्पिरेंट्स को। पिछले साल लगभग 65,000 वैकेंसियां आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियंस में, 1,20,000 वैकेंसियां ग्रुप डी में, और इस साल फिर से लगभग 2.5 लाख वैकेंसियों के लिए उन्होंने बोला था, जिसमें से लगभग 1,30,000 वैकेंसियां आपकी इसी साल आनी थी। और उसमें से एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए, जहां लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि एनटीपीसी की 15,000 वैकेंसियां आएंगी, उन्होंने 35,000 वैकेंसियां दी थी, और फिर उनको बढ़ा करके आज आरआरबी पटना की नई नोटिफिकेशन में वैकेंसियां 45,000 कर दी गई है। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड नोटिफिकेशन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो पाए बातें। तो लगभग 10,628 वैकेंसियां थी प्लस टू लेवल के लिए, जिसमें से आपका जो जूनियर क्लर्क है उसके लिए 4,319, अकाउंट क्लर्क के लिए 760, जूनियर टाइम कीपर 17 वैकेंसियां, ट्रेन क्लर्क की 592, और कमर्शियल ट्रेन क्लर्क के लिए भी लगभग 5,000 वैकेंसियां थी। तो अब इन वैकेंसियों को फिर से बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप यहाँ पे टोटल देख सकते थे लगभग 24,649 वैकेंसियाँ। तो आप इन दोनों को लगभग देखोगे तो 35,500 के आसपास वैकेंसियाँ थी, लेकिन आज जो नई नोटिफिकेशन बिहार की है उनमें इन वैकेंसियों को लगभग लगभग फिर से 10,000 के आसपास बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आइए चल लेते हैं हम जो पटना जो आरआरबी पटना की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें चल के हम आपको दिखा देते हैं कि वैकेंसियाँ सच में बढ़ा दी गई हैं, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एनटीपीसी को लेकर के बहुत सीरियस थे, और वो एनटी रेलवे में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या फिर क्लर्क की जॉब करना चाहते थे, और उनका एक ही सपना रहता था कि रेलवे में हमको एक अच्छी जॉब करनी है। तो उनके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो चलिए हम एक बार आरआरबी पटना की वेबसाइट पर चल लेते हैं। तो ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली थी आरआरबी पटना की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वैकेंसियाँ लगभग 10,600 के आसपास थी वो 14,000, दैट मीन्स लगभग 4,500 वैकेंसी आपका प्लस टू लेवल पे बढ़ा दी गई हैं। तो जो बच्चे 12th वाले थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है। तो जो 12th पास थे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी आप 14,000 हो गई हैं। उनको शिकायत थी कि वैकेंसी थोड़ी कम थी और बढ़ा दी जाती, तो अब आपके लिए ही सिर्फ 15,000 वैकेंसियाँ इसमें कर दी गई हैं। तो उसी तरीके से अगर आप पोस्ट वाइज देखेंगे तो लगभग इसमें 1,000 के फर्स्ट वैकेंसियाँ, इसमें भी 1,000 के फर्स्ट वैकेंसियाँ, और सब में इसी तरीके से वैकेंसियाँ बढ़ा दी गई हैं। अगर ऐसे ही चलते हम ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जो वैकेंसियाँ लगभग 24,000 थी वो अब हो गई 30,471, दैट मीन्स 6,000 के आसपास वैकेंसियाँ यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। तो सरकार का एक बेहद ही बड़ा फैसला, बेहद ही बोल्ड मूव, बेहद ही एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक काफ़ी एक अच्छा मूव चला है, एक अच्छा स्टेप चला है, जिससे जो एक उनको ऊपर एक टारगेट हो रहा था कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अब इस तरह के मूव्स के बाद अगर ये वैकेंसियां आने वाले दिसंबर जनवरी तक क्लियर हो जाएंगी या फिर अगले साल मार्च अप्रैल तक भी क्लियर होती हैं, तो एक रोज़गार के क्षेत्र में जो सरकारी नौकरियां जिनमें जो कमी आ रही थी वो कमियों को पूरा कर सकेंगे। और एक जो बात कही जा रही थी कि लगभग 2.5 लाख वैकेंसियाँ खाली रेलवे में कब आएंगी, तो जी हाँ बिल्कुल, अब आप तैयार हो जाइए, अब आपको 2 से 2.5 लाख वैकेंसियाँ आने वाले 1 साल में देखने को मिलेंगी। और इन सब फैसले के लिए हम पीयूष गोयल जी को बहुत एक धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बेरोजगारी की दशा समझते रहे, जो रेलवे एस्पिरेंट्स खाली बैठे थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया गया है। तो यही अपडेट मुझे आपको देनी थी। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।